एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, प्यार या गुस्सा। यहाँ पर मैं ये दो डेक्स यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। ये स्पेशली डेडिकेटेड है आपके लिए, आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है, प्यार है या गुस्सा है। शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। आप अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बात सही है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा, आई डोंट नो। और YouTube का कुछ ऐसा रूल है कि दिन में दो वीडियोस के ही नोटिफिकेशन आएंगे, और मेरे दो वीडियोस एक सुबह फिर एक आफ्टरनून में, उसके बाद मैंने ड्रीम का भी एक वीडियो डाला हुआ है। ड्रीम सीरीज़ की वीडियो भी मैं डेली एक अपडेट करती हूँ, तो रात में भी एक वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप क्या किया कीजिए कि अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो गुड, नहीं आता है तो आप आकर एक दो घंटे तीन घंटे पे, जब आपके पास टाइम हो, आप एक बार चेक कर लिया कीजिए वीडियोज़ में, तो जो भी रीसेंट अपडेट्स होंगी वो आपको पता चल जाएंगी। अगर आप सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वीडियोस दिख जाएंगी। अगर वहाँ पे टिक है मेरे चैनल के जो थंबनेल है मेरा, उस पे अगर टिक है, जैसे एक्टिव रहने की टिक होती है ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की, तो आप समझ जाना कि कोई न्यू वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है या गुस्सा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्यार है या गुस्सा अभी इस वक्त क्या है आपके पर्सन के दिल में, आपके लिए प्यार है या गुस्सा है, प्यार है या गुस्सा। टू मोर कार्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्प्रेस। प्यार है या गुस्सा, क्या लग रहा है। सो गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है मैं आपको बताती हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि प्यार है या गुस्सा है। सबसे पहली जो एनर्जी है वो है 9-9। ठीक, यहाँ पे 9-9 से रीडिंग शुरू हुई है। 9 of Cups विद 9 of Swords एंड द फूल। यहाँ पर 1, 2, 3 मेजर अरकाना आए हैं, दैट इज़ एम्प्रेस, फूल एंड मून। ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पर्सन जो हैं वो प्यार नहीं करते, सिर्फ आप ही इस रिश्ते में एफ़र्ट लगा रहे हो, सिर्फ आप ही पूरी मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते में, आप ही इन्हें याद करते हो, आप ही इनको मिस करते हो, आप ही इनके लिए रोते हो, आप ही इनके लिए तड़पते हो, आपके पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा है क्या? आप में से कई लोगों को डर है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, या इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इनके दिल में प्लेस नहीं है, इनको ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी जो इंट्यूशन है अगर आपको ये कहती है कि आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा किसी और की फ़िक्र है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद पे काम करना है। आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए। जो व्यक्ति आपको प्रायोरिटी दे उसको प्रायोरिटी दीजिए, जो व्यक्ति आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट करे, आपको प्रायोरिटी ना दे, आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में उनके लिए जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, वो इक्वली वो आपके लिए नहीं रखते, आप उनके लिए जितने डेडिकेटेड हैं वो इक्वली आपके लिए उतने डेडिकेटेड नहीं हैं, सो बैक आउट योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा पीछे लेकर आइए, डिटैच रहिए। डिटैच इसलिए रहिए क्योंकि जब आप दूर रहेंगे, अगर उस व्यक्ति के हृदय में, उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होंगी, अगर वो सच में आपसे प्यार करती होगी या करता होगा, तो उसे एहसास हो जाएगा कि मुझे इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाने हैं। अगर मैं इस रिश्ते में हूँ और एफ़र्ट्स नहीं लगा रहा हूँ या नहीं लगा रही हूँ, तो कोई भी गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती है, दो पहिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार करते हैं, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप इस रिश्ते में अटके हुए हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि एक
पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी, उनकी तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि कई बार आपके मन में ये भावना आती है कि मेरा पर्सन भी क्या मेरे लिए यही जज्बात रखता है जो मैं रखती हूँ या रखता हूँ। और यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जी है उसमें ये क्लियरली निकल कर आया है कि आपके पर्सन भले थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पर्सन भले किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, लेकिन उस सिचुएशन में रहते हुए भी वो अकेलापन फील करती हैं या करते हैं। अगर ये आपसे दूर हैं तो इनकी भी इच्छा होती है कि ये आपसे बात करें, ये आपको मैसेज करें, ये आपको अपने दिल की जो भी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करें। ये भी चाहते हैं कि ये उस सिचुएशन में केयर फ्री होकर एक्शन लें, बिंदास एक्शन लें, बिना किसी से डरे। ये भी चाहते हैं कि ये आपसे कुछ ना छुपाएं, ये सब कुछ एक्सप्रेस कर दें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। ये भी चाहते हैं कि ये बताएं आपको कि ये कैसे आपको याद करते हैं, कब याद करते हैं, आपकी कौन सी बात इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कौन सी ऐसी बातें हैं आप दोनों के बीच में जो इन्हें हंसा देती हैं। ये भी आपके पास फटाक से आ जाना चाहते हैं, ये भी आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये भी बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। यहाँ पर आपको स्नेक सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ भी स्टक हो, जहाँ भी ट्रैप्ड हो, ओवरऑल एनर्जी वी हैव गॉट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहते हैं हमेशा कि आपके साथ जीत हो, इनकी लाइफ में आप हमेशा रहें, और ये आपके लिए एफर्ट भी करना चाहते हैं बट परफेक्ट टाइमिंग पे। तो आपके पर्सन के दिल में आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि इनके पास आपके लिए समय नहीं है, या ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं या नहीं दे रहे हैं, या इनकी लाइफ में आपका स्थान सबसे अंतिम में आता है, ये पूरी दुनिया को बात करने के बाद आपके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं और सही समय आने पर ये आपको एक्सप्रेस भी करते हैं। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है या गुस्सा। तो हमारे पास जो पहला कार्ड आया है, सेपरेशन जब भी आप दोनों के बीच में होता है, जब कभी भी आप दोनों में सेपरेशन होता है, तो आपके मन में ये भावना आती है कि ये पर्सन सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये पर्सन मेरे से ट्रू लव नहीं करती या नहीं करता, ये पर्सन का जब मन करता है मुझसे बात करता है, जब मन करता है मुझे छोड़कर चला जाता है, ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में है, ये पर्सन लॉयल नहीं है। एक तरह से आपके मन में ये शक आता है, ठीक है, और यही जो चीज़ें हैं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं। तो आपके लिए इतना प्यार होने के बावजूद जब आप उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, इस तरह के आप ब्लेम लगाते हैं, तो आपके पर्सन को आता है गुस्सा। यहाँ पर ये इनकी फीलिंग्स में आता है कि मैं केयर फ्री हूँ, मैं बिंदास हूँ, मैं फ्री हूँ, उसके बाद भी अगर मैं चीट नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो भी मुझ पर इतनी सारी तोहमत लग रही है, मैं कुछ नहीं हाइड कर रहा या कुछ नहीं हाइड कर रही, उसके बाद भी मुझे ये सब सुनने मिल रहा है। तो जब इनको ये सिचुएशन में आप पहुँचा देते हो तब इनका सब्र जवाब दे देता है, तब इनको ऐसा लगता है कि जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मुझसे क्या रिश्ता रखना, दूर हो जाओ मुझसे, तब इनको आता है गुस्सा। समझ रहे हैं? अदरवाइज़ ये हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो भी जाए तो कंक्लूजन्स निकल जाएं, कुछ ना कुछ ऐसे कंक्लूजन्स निकल जाएं जिससे कि ये जो सिचुएशन ख़राब हुई है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आप दोनों में सेपरेशन है, किसी बात पर वो नाराज़ होकर आपसे दूर चली गई हैं या दूर चले गए हैं, तो कब तक वापस आ सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है एंजल्स, तो कब तक वापस आ जाएंगे। वन नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये रीडिंग को देखने के बाद कम से कम 24 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम। अगेन वी हैव गॉट नंबर वन, तो यहाँ पर ज़्यादातर तो वाइब्स वन डे की है, कुछ लोगों के लिए 24 घंटे में ही एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 7 डेज के अंदर की हो सकती है, मीन्स 1 वीक, विद इन अ वीक और विद इन अ डे इस रीडिंग को देखने के बाद ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।